सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अजात शत्रु, साधु कौन जिसका कोई शत्रु नहीं, भले ही उसका कोई शत्रु हो। और एक दिन एक साधु नहा रहे थे नदी में, और किसी नदी भी कुछ बाढ़ जैसी थी, वो पावस ऋतु की नदियाँ जो सब बहाकर लेकर जाती है अपने साथ, तो बड़ा कोई मोटा मोटी लकड़ी बह रही थी, उस पर बिच्छू, और वो गिर गया पानी में। महात्मा ने उसे उठाया तो डंक मारा बिच्छू ने। बिच्छू का स्वभाव है परिस्पर्श से वो डंक मारता है, वो असुरक्षित अनुभव करता है, तो अपनी सुरक्षा के लिए उसने डंक मारा। साधु ने बिच्छू को छोड़ दिया, लेकिन वो डूबने लगा, फिर रखा, फिर डंक मारा उसने। इस स्पर्श से वो डंक मारता ही है बिच्छू। किनारे पे खड़े लोगों ने कहा, महाराज ये विषैला जीव है और ये बार बार आपको डंक मार रहा है, और एक आप हैं कि इसकी रक्षा कर रहे हैं। तो साधु ने कहा, जब ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा तो मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूं। स्वभावो दुरित क्रम, कुछ लोग अपना स्वभाव छोड़ ही नहीं पाते क्योंकि वो जड़ होते। पर मैं तो आध्यात्मिक व्यक्ति हूं, मैं तो अपना नया स्वभाव बना सकता हूं, मैं तो अपने मूल स्वभाव में लौट कर आ सकता हूं। तो मैं आपको बड़े विश्वास के साथ बात कह रहा था, अगर आप आध्यात्मिक व्यक्ति हैं तो सच मानिए, आपका स्वभाव ईश्वरीय बन जाएगा, दैवीय बन जाएगा, दैवीय स्वभाव बन जाएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।